स्टूडेंट्स वेलकम टू जेके टॉपर्स अकेडमी। लेटेस्ट अपडेट एंड जॉब्स अपडेट आप स्टूडेंट्स के लिए लेके आ चुके हैं कि जो बच्चे यहाँ पर ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये जॉब्स हैं और जो बच्चे यहाँ पर 10th 12th हैं वो भी यहाँ पर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करना है आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8082874110 पर व्हाट्सएप कीजिएगा। फॉर्म आपका यहाँ पर जो है फिलअप करके हम यहाँ पर दे देंगे। अब आपके बताते हैं कि कौन सी जॉब्स हैं ये, किसके लिए जॉब्स है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है और क्वालिफिकेशन क्या है और वैकेंसी कितनी है, ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए ताकि डेली की अपडेट जो है आपको यहाँ पर मिल सके। और बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि छोटी सी छोटी अपडेट जो है आपको हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि DSSB की तरफ से, ठीक है, सबसे मेन बात है DSSB होता क्या है। DSSB का मतलब है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। क्या है यहाँ पर, इसकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल के आई है टीचर्स की, ठीक है। यहाँ पर टीचर की पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी और नॉन टीचिंग पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर बात की जाए पोस्ट नेम और टोटल पोस्टें कितनी हैं वो आपको यहाँ पर बताएंगे। ऑल इंडिया लेवल से इस फॉर्म को कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल और फीमेल यहाँ पर दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपके पास असिस्टेंट ग्रेड 3rd जिसमें आपको बैचलर डिग्री मांगी है कोई भी स्ट्रीम में, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम में आपने BA किया हो और आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर MS ऑफिस और कंप्यूटर ऑपरेशन में, ठीक है। और भी इसमें बताया है इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए और एज लिमिट 18 से 27 तक जो है यहाँ पर आपको एज लिमिट बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर म्यूज़िक टीचर, म्यूज़िक टीचर की टोटल पोस्टें आप वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं 182 है। इसमें आपको सिंपल ग्रेजुएट मांगा है और जिसका ग्रेजुएट में म्यूज़िक सब्जेक्ट है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और 32 ईयर्स तक इसमें जो है एज रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर है ये, 581 इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और यहाँ पर बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम में होनी चाहिए और इसमें BEd भी आपको कंपलसरी है, ठीक है, मैंडेटरी है BEd और CTET भी यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है। आगे बात की जाए इसकी एज लिमिट की तो 30 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल तक जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट नोटिस है आपके लिए, बाकी जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट पोस्ट जो आती है वो रहती है आपकी TGT कंप्यूटर साइंस, ठीक है, TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, 6 वैकेंसी है और आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, यानी कि अगर आपने BSc की है तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपने BSc में जो है BA में अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है कंप्यूटर में तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसकी एज जो है वो दी गई है बिलो 32 ईयर्स तक जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है PGT एग्रीकल्चर जिसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर डिग्री इसमें मांगी गई है और यहाँ पर आपको 36 तक एज लिमिट दी गई है, ठीक है। PGT संस्कृत में जो है 13 वैकेंसी दी गई है जिसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी है जिसमें एक जो है यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। PGT इंग्लिश ओनली फॉर मेल के लिए है जिसमें 21 वैकेंसी दी गई है और PGT इंग्लिश फीमेल के लिए जिसमें 8 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सेम क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए PGT फाइन आर्ट्स पेंटिंग फीमेल, इसमें भी आपको यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, अगर आपने 12th किया है तो आपको 5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट्स पेंटिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग का। इसकी जो एज रखी गई है वो एज रहती है आपकी 36 ईयर्स तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है PGT ग्राफिक जो कि मेल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी आपको जो है BA मांगी गई है और 36 तक जो है आपको एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। EVGC ओनली फॉर मेल के लिए है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और आपका डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस और काउंसलिंग में और इसकी मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स तक एज लिमिट रखी गई है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आता है स्टैटिकल असिस्टेंट,
इसमें जो है 244 जो है यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी स्टैटिक्स में या फिर ऑपरेशनल रिसर्च में, इसमें जो भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो ही आप स्टैटिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट आपको मैक्सिमम 30 इयर्स तक यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आता है स्टैटिकल असिस्टेंट, जिसमें आपको वैकेंसी दी गई है 244, इसमें मास्टर डिग्री यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट के लिए अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है 138 इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी, और इसमें क्वालिफिकेशन जो है 10th भी है और 12th भी है अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो, ठीक है। और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन का, और इसकी एज जो है 18 से 27 तक जो है इसको एज रखी गई है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट OTCCD, जिसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलती है 118, इसमें 10th पास है, जिन बच्चों ने यहाँ पर 12th की साइंस स्ट्रीम थी तो वो बच्चा जो है इसको अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट है आपके पास टेक्नीशियन की, इसमें भी आपको सिंपल 10th मांगी गई है और 12th में साइंस होगी तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और एज की बात की जाए तो 18 से 27 तक जो है आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। नेक्स्ट जूनियर पीए चाहिए जूनियर, जो कि इंग्लिश का हो, उसकी क्वालिफिकेशन जो है कोई भी स्ट्रीम में आपको बीए होनी चाहिए, और शॉर्ट एंड आपको आना चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट का, और टाइपराइटिंग भी यहाँ पर 80 वर्ड्स पर मिनट चाहिए इंग्लिश में, जिसमें एज लिमिट जो है मैक्सिमम 27 इयर्स तक रखी गई है। नेक्स्ट आता है लेबॉरेटरी असिस्टेंट, जिसमें आपको 11 वैकेंसी देखने को मिलती है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, यानी कि बीएससी विद केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 12th की है तो सिंपल आपको जो है यहाँ पर 3 इयर्स का जो है डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपको आगे भी जो है पोस्ट्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं देखने को मिलेगी, ये आपको जो है शॉर्ट PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आगे जो है हमारी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए है 1 वैकेंसी, 10th पास होनी चाहिए और 5 साल का जो है एक्स सर्विस मैन जिन्होंने सर्विस की है उनके लिए है, ठीक है। 18 से 32 जो है इसमें एज रखी गई है, और यहाँ पर आगे देख सकते हैं रेडियोग्राफर है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, असिस्टेंट डाइटिशियन है, फिर साइकोथेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपी है, होम्योपैथिक है, यहाँ पर ये सारी पोस्टें आप देख लीजिएगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा वैकेंसी कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या है। अप्लाई किस तरह से करना है आपको हमने ऑलरेडी नंबर जो है ड्रॉप कर दिया गया है, वहाँ से जाके आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम कोई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में। बाय बाय, टेक केयर।